हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस के असेसमेंट वर्कशीट 4 करेंगे। बच्चों, डेट है आपकी इस वर्कशीट की 28 सितंबर 2021। असेसमेंट वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1 to 4। तो आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और 1 to 4 की जो क्वेश्चन आंसर है उसका आपको आंसर देने हैं। तो देखते हैं हम। फर्स्ट है, फॉरेस्ट आर द ओवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी धन है, हमारी संपदा है। प्लांट्स गिव अस शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट क्या हमें रहने के लिए स्थान देते हैं और वो इसी वजह से हम उनके पास रह पाते हैं। वो भी क्या है, जो प्लांट और एनिमल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेसिस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल। अब क्या, जो क्लाइमेट और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होती रहती है उससे क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल की जो नेचुरल हैबिटेट है वो गायब होते जा रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जो या तो ख़त्म हो गई या फिर वो ख़त्म होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच असरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ काटना, सोइल इरोजन करना, मतलब सोइल का पानी के साथ बह जाना, कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी हैं, और जब जंगलों में आग लगना, सुनामी आना, लैंडस्लाइड, ये सभी क्या हैं, हमारे ह्यूमन और प्राकृतिक क्या हैं, एक्टर फैक्टर हैं जो कि इन रिसोर्सेज के गायब होने में या इन रिसोर्सेज के कम होने में फैक्टर इम्पोर्टेंट ये फैक्टर हैं। सम ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पोचिंग मतलब शिकार करना, जिसके कारण क्या है, स्पीसीज क्या हैं जिसकी वजह से शार्प डिक्लाइन होता है पर्टिकुलर स्पीसीज का। द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर कलेक्शन और इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। जो एनिमल है उनका शिकार उनके किस लिए किया जाता है, कुछ कलेक्शन करने के लिए जाने की, और या फिर उनका कुछ इलीगल वे से व्यापार करने के लिए। उनकी स्किन बेची जाती है, नेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, दांतों के इस्तेमाल किया जाता है, सिंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इस साथ के साथ उनके जो पंख होते हैं उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, इसी वजह से उनका शिकार किया जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो ये कुछ एनिमल्स के नाम है जिनका शिकार किया जाता है, कुछ ये क्या है, हमारे एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गए हैं। आप देखते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर। तो क्या कॉज है जिसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसका आंसर बच्चों चेंजिंग क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इट मीन्स क्या है, ये फर्स्ट का आंसर हमारा सी है, दोनों ए एंड बी दोनों हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिवेलपमेंट डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है वो कम क्यों होती जा रही है, तो ये भी नहीं हुई क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ जू से बढ़ती है, इंक्रीज फॉरेस्ट बढ़ाने से भी बढ़ती है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो सेकेंड का आंसर हमारा डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कॉज फॉर द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज। तो वाइल्ड एनिमल का शिकार करने के लिए क्या क्या क्यों किया जाता है, स्किन के लिए भी किया जाता है, टीथ के लिए भी किया जाता है, कलेक्शन ऑफ हॉर्न्स के लिए, इट मीन्स क्या, थर्ड का आंसर हो गया बच्चा हमारा डी, सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन कॉज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा जो है जो नेचुरल ह्यूमन कॉज नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सटेंशन के लिए, तो वो है बच्चों लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता, तो फोर्थ का आंसर है बच्चों डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एनी टू यूज ऑफ लैंड। तो आपको लैंड के कोई दो इस्तेमाल बताने हैं, आंसर लिखते हैं इसका हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। ज़्यादा हो गया तो इसमें आप सिर्फ ही दो लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ दो इस्तेमाल लिखना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर। सिक्स क्वेश्चन हम देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, व्हाट इज द व्हाई इज द अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटा वाटर इन इंडिया लो। तो पर कैपिटा वाटर जो है इंडिया में लो कम क्यों है, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए बबल ऑफ लाइफ। तो जहाँ पर जो प्लांट, एनिमल, वेदर, लैंडस्केप सब मिलकर क्या है, जीवन को संभव बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और वाटर की अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ड्यू टू एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए क्या, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। आपका क्वेश्चन नंबर
सिक्स का आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, राइट इन टू मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के आपको कोई दो मेथड बताने हैं, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जू एंड इंक्रीज इन फॉरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ आप लिख देंगे तो इससे क्या हमारी ये बढ़ जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन हो गया। एट्थ क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्लेन थ्री रिस्पॉन्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल के फॉर्मेशन के कोई दो फैक्टर आपको बताने हैं। तो इसमें लिखेंगे सॉइल आर फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ फाइव मेजर फैक्टर। तो इसमें आप लिखेंगे टाइम, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड रिलीफ। इन तीन फैक्टर की वजह से हमारी जो है सॉइल बनती है। आपको तीन ही लिखने थे तो आप तीन लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाटर इज ए रिसोर्स हाउ। तो वाटर किस प्रकार की रिसोर्स है। मैनी यूजेस ऑफ वाटर इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, रिक्रिएशन एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटी। वर्चुअली ऑल ऑफ दिस ह्यूमन यूज रिक्वायर फ्रेश वाटर। क्योंकि ह्यूमन वाटर क्यों रिसोर्स के, क्योंकि वाटर से हमारे बहुत सारे काम होते हैं और इसी कारण से जो मनुष्य है उसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए क्या वाटर भी एक रिसोर्स है। ये आप क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है। टेंथ क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का। टेंथ क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन अन ए फोर फैक्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व करने के आपको कोई चार मेथड लिखने हैं। तो आंसर देखते हैं इसका हम। तो ये चार मेथड बच्चों आपको चारों लिखने पड़ेंगे या आप ना लिखें। ठीक है, तो इसमें है एक तो मुल्चिंग, कंट्रोल बैरियर, रॉक डैम एंड टेरेस फार्मिंग। ये आपको पहले भी वर्कशीट में एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो सिर्फ आप इसको लिखें और इसको अच्छे से अपना कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर। ठीक है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक करें वर्कशीट का सोल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।